पाकिस्तान का 13वां सदर कौन? फैसले के लिए मैदान सज गया। मौलाना फजलुर रहमान, एतजाज़ सिन्हा, आरिफ अल्वी ने मुकाबला। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असेंबलियों में पोलिंग शुरू। शाम 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। कौमी असेंबली में 342, सेनेट में 104 और चारों सूबाई असेंबलियों में 65-65 वोट। अराकीन असेंबली के लिए शनाख्ती कार्ड लाना जरूरी। पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन ले जाने और बैलेट पेपर की तस्वीर बनाने पर पाबंदी आई। गैर मुतहरिक सदर नहीं बनूंगा, मुल्क में हर फर्द को इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान अगले चंद सालों में तरक्की की राह पर गामजन होगा। वजीर आजम मेरे चेयरमैन है और रहेंगे, आरिफ अल्वी की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। इत्तेहाद टाउन में कालादम तहरीके तालिबान। पाकिस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। 2 खुदकुश जैकेट्स, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। अफगान तालिबान की जानब से हकानी ग्रुप के बानी जलालुद्दीन हकानी की मौत का ऐलान। जलालुद्दीन हकानी कई बरसों से अलील थे, अफगान मीडिया की तस्दीक। वाजिद ज़िया के बयान में तब्दीली का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज फिर नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाप्त करेगी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में एलडीए के सबक डीजी आहत खान चीमा की एहतसाब अदालत में पेशी। जज के रुखसत होने के बाद समाप्त 11 सितंबर तक हो सकती। सबक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की लाहौर की सेशन कोर्ट में पेशी। उगूरी जमानत में 17 सितंबर तक तासी। लाहौर में किनाल रोड पर कैंपस अंडरपास में कंटेनर फंस गया। कंटेनर फंसने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ट्रैफिक पुलिस एहलकार देर से पहुंचे। और ताकतवर समुद्री तूफान जबी जापान के साहिल से टकरा गया। इलाके में तूफानी बारिशें, तेज हवाएं। कई शहरों में इमरजेंसी नाफिस। 1000 से ज्यादा परवाजें मंजूर।